हेलो फ्रेंड्स मु मानस आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल को। सो पिले माने आमे लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले डेरिवेटिव कौन, डेरिवेटिव रो किछि बेसिक फार्मूला जानिथिले, ता सहित डेरिवेटिव रो कौन सब प्रॉपर्टीज अछि ता उपरे भी डिस्कशन करथिले। सो होप करुच्ची लास्ट क्लास रो समस्ते जहाँ भी पढ़ाई थिला क्लियर हो जाइथिबो। जे भी लास्ट क्लास अटेंड करिन तो लास्ट क्लास रो वीडियो टी को देखिनियो, तो ताकु बेस करिकी आजिर क्लास रे आमे कौन करिबा ना, जो सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थिले से प्रॉपर्टीज रो नेकी यूज करिकी गोटे गोटे एग्जांपल करिबा, सो दैट पिला मानकर क्लियर हो जइबो। सो पिले जदि वीडियो टी हमर भल लागुची ताले लाइक करो, संग साथी मानक सहित शेयर करो, प्लीज हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करो, सो दैट की जहां जहां नुवा वीडियो अपलोड होबो नोटिफिकेशन मिलि जइबो। आ मु एठी कहि दबा को चाहे कि हमर यूट्यूब चैनल रे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टोटली क्लास 11th एंड 12th रो जति मैथमेटिक्स अछि तार थ्योरी सहित एग्जांपल आ सब एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज बाय सीरीज अपलोड होबो। सो पिले हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई केहि भी भूलंतु नाही। सो आज जे प्रॉपर्टीज आमे आगरु पढ़ीतेले ताकु नै कि किछि क्वेश्चन आमे करिया को जिबा, जोडा कि तुम बुझि पारो पिले एग्जांपल्स कहाँ उपरे ना जो प्रॉपर्टीज पढ़ी ता उपरे। तो टिके जदि मन पकाइबा लास्ट क्लास रे आमे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी तार फर्स्ट प्रॉपर्टीज पिले कौन थिला ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ ए फंक्शन कौन होतला ना, कांस्टेंट आगो को पळे जाउतला, ओनली डेरिवेटिव कार होतला ना फंक्शन रहउतला। तो याकु बेस करके गोटे क्वेश्चन नबा, सपोज देची फाइंड dy by dx, कारण डेरिवेटिव का हमें कोथरे डिनोट करंदि dy by dx, फाइंड dy by dx और डेरिवेटिव इफ y equals to 5x to the power 4। सो देखो पिले एटी 5 टा होची k ना, k मींस वोडे कांस्टेंट जगह रे 5 अछि आ फंक्शन जगह रे की अछि x to the power 4 अछि आ y गिवन हेछि y इज द हमर फंक्शन y equals to 5x to the power 4 आउ तारो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy by dx पचारी छी। तो आमे कौन करिबा, आमे जान चंती आमे dy by dx फाइंड आउट करिबा, तो कौन करिबा ना d by dx of y जगह रे केत अछि 5x to the power 4 फाइंड आउट करिबा। सो इथरे देखो 5 तो कांस्टेंट, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज 5 बाहर को पळे आसीबो आ ओनली डेरिवेटिव ऑफ कहां रहबो x to the power 4 रो। सो ये ही जो पिले 5 इनटू अगेन देखो ये x टू द पावर n फॉर्म रे अछि ना, n केते अछि 4 अछि, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला d / dx ऑफ x टू द पावर n कोन हि जइबो ना n इनटू x टू द पावर n - 1 दैट इज 4 इनटू x टू द पावर 4 - 1। सो ये हि जइबो 5 4 20 इनटू x टू द पावर 4 - 1 जे 3। तो ये थिला तुम्हारो आंसर। सो डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 4 हे गला केते 20x³। सो पिले बहुत ही सहज ना, तो एमिति ही गोटे गोटे एग्जांपल करी कि जिबा इज प्रॉपर्टीज रो। आउ डेरिवेटिव बहुत ही इजी, बहुत मजा भी आसीबो पिले, गोटे गोटे वीडियो लेक्चर देखो आउ एत्ते मजा एत्ते इजीली आमे डिस्कशन करिबा, देखिबो क्लास करिला परे तुमे निजे ही बुझी परिबो कि केत्ते मजा आसीबो। देन पिले जो सेकंड प्रॉपर्टीज थिला, सेकंड प्रॉपर्टी हम बाहर कौन थिला कि d by dx of u plus v equals to du by dx plus dv by dx, और याको हम लेखु थिले u dash plus v dash। जदि दीटा फंक्शन u and v अलग-अलग दीटा फंक्शन अछि तारो जदि होल डेरिवेटिव नबा ताले से कोन होबो, एडिशन कहार एडिशन ना, u रो भी डेरिवेटिव आ v रो भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दीटा को कैलकुलेट करला परे ऐड कर देले त तार रिजल्ट सहित समान हे जइबो। सो सपोज हम पाखेर गोडे क्वेश्चन अछि, क्वेश्चन फाइंड dy by dx इफ y equals to 3x² plus 2x³। सो पिले देखिलो y तुम्हारो फंक्शन, y टाला फंक्शन, देखो एठी दीटा
ଫଙ୍କସନ୍ ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ 3x² ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 2x³, ସୋ ଇଏ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ୟୁ, ଇଏ ହେଲା ଭି, ତ ୟୁ ଜାଗାରେ ଅଛି 3x² ଆଣ୍ଡ ଭି ଜାଗାରେ ଅଛି 2x³, ତ ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କାଢ଼ିବା ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଇ ଅର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କହୁଛେ, ୟାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମେ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ କାହାର କାଢ଼ିବା ୱାଇ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିବା 3x² ପ୍ଲସ୍ 2x ର କ୍ୟୁ। ସୋ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଫର୍ମୁଲା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡି ୟୁ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଭି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ। ସୋ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ 3x ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ଏଗେନ୍ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ 2x³। ଦେଖ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଭି। ସୋ ଦେଖ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଓନ୍ଲି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଛି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁ। ସୋ ଇଏ କ'ଣ ହେବ 3 × ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର୍। ଦେଖ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ, ତ ହେଇଯିବ 2 × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 2 - 1 ପ୍ଲସ୍ 2। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏନ୍ ଏଗେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ n × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ସେ ହେଲା 3 × 2 = 6 ଏକ୍ସ, 2 - 1 ଯେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 × 3 = 6 ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 3 - 1 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2, ତ 6x ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 6x ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝି ହେଉଛି। ସୋ ଏଥିରୁ 6 କମନ୍ ଗଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସୋ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ଇଜି ଅଛି, ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯିବା ଆମେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥିଲା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି ୟୁ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଡି ଭି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅର୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇନସ୍ ଭି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ତ ୟାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେବା। ସପୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଇଫ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 2x² ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ। ସୋ ପିଲା ଦେଖ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 2x², ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ, ମିନ୍ସ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି କାହାର, ୱାଇ ଫଙ୍କସନ୍ର। ସୋ ଦେଖ ଇଏ ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ଫର୍ମରେ ଅଛି ନା, ଯଦି ଇଏ ୟୁ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ଭି ହୁଏ ତ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ନା ୟୁର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବାହାର କରିବା, ପୁଣି ଭିର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବାହାର କରିବା, ଆଉ ମଝିରେ ତ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତ ଡି ୟୁ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଡି ଭି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କରିବା। ସୋ ଦେଖ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଯାହା, ତ ଏହି ଯେଉଁ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ପିଲେ, ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 2x ର ସ୍କୋୟାର୍। ସୋ ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 2x², ତ ମଝିରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ୟୁର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ମାଇନସ୍ ଭିର ଡେରିଭେଟିଭ୍। ସୋ ଇଏ ହେଇଯିବ ଡି ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଡି ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଅଫ୍ 2x ର ସ୍କୋୟାର୍। ସୋ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ କ୍ୟୁ ତା'ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 3, ତ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ 3 × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 3 - 1 ମାଇନସ୍, ଇଏ ଦେଖ 2 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ n × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2 × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 2 - 1, ସୋ ହେଇଯିବ 3 × ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 2 - 2 × 2 4 ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ 2 - 1 ଯେ 1, ସୋ ହେଇଗଲା 3x ର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4x ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଡେରିଭେଟିଭ୍। ସୋ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସିମିଲାର୍ଲି ଯେଉଁ 4 ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ନା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଅର୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଭି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଇଣ୍ଟୁ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଥିଲା। ସୋ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା। ସୋ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଡି ୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇଫ୍
y equals to 2x minus 1 into 3x plus 1. सो देखो गोटे फंक्शन अछि 2x minus 1 आ गोटे फंक्शन अछि 3x plus 1 दिटा अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हे छथि सपोज 2x minus 1 u एंड 3x plus 1 v हुए तो ये u into v फॉर्म रे छथि y जदी u into v फॉर्म रे छ आ पचारी छि y रो डेरिवेटिव और dy by dx तो कोन करबा एई फार्मूला एई प्रॉपर्टीज को यूज करबा तो कोन होबो देखो dy by dx इक्वल्स टू कोन हे जीवो ना d by dx ऑफ y जगह रे मु केते लिखि बि पिले 2x minus 1 into 3x plus 1 सो ये हला हमर u ये हे गला v सो कोन हे जीवो देखो फार्मूला अनुसार u रहिला तो 2x minus 1 रहिला आज u into डेरिवेटिव ऑफ के v तो डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 1 सेम लली प्लस v v जगह रे के रहइबो 3x plus 1 कांस्टेंट रहिला अगेन डेरिवेटिव कहर फाइंड आउट करबा ना u रो दैट इज 2x minus 1 फर्स्ट कोन करबो u को एज यूजुअल रखिबो ए v रो डेरिवेटिव बाहर करबो प्लस जेहेतु मल्टीप्लाई हे के अछि तो मझेरे प्लस रहिबो देन v को कांस्टेंट रखी कि डेरिवेटिव ऑफ u रो फाइंड u फाइंड आउट करबो सो देखो ये कोन हि जीवो 2x minus 1 देखो एटी डेरिवेटिव ये कोन हेबो बिले 3x plus 1 तो ये u plus v फॉर्म रे अछि तो ए जीवो d by dx ऑफ 3x plus d by dx of 1 मझिरो सेपरेट कर ली अलग अलग तो बहुत पिला याकू डायरेक्ट भी करी परिबो तुमे जो पिला माने बुझी पाछ सन डायरेक्ट डेरिवेटिव करी परिबो ए स्टेप रो किछि दरकार नाही किंतु हम जानी छि सब प्रकार पिला छथि किछि भलो पिला छथि किछि एवरेज पिला छथि किछि बिलो एवरेज पिला छथि किछि मीडियम पिला छथि तो समस्त को कवर करी कि हमें जाऊ छै सेति पई मो स्टेप बाय स्टेप करू छि तो भलो पिला जो माने से माने नेक्स्ट स्टेप भी ऑटोमेटिक लेखि पारो सो पिले टिके लेंथी होबो किंतु कोन टिके हमकु पेशेंस रखिया को पड़िबो ठीक अछि सो ये हे गला 2x minus 1 डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एठी रहिला 3x प्लस 1 अगेन देखो पिले u minus v फॉर्म रे अछि तो याकु मु कोन करि परिबी ना d by dx ऑफ 2x फाइंड आउट करिबी माइनस d by dx ऑफ 1 सो ये कोन होबो ना 2x minus 1 ना यूजुअल रहिला देखो ये डेरिवेटिव ऑफ 3x तो 3 तो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ x हला 1 d by dx ऑफ x हला 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 तो गोटे कांस्टेंट रो डेरिवेटिव हम जान छे 0 प्लस 3x plus 1 एठी देखो पिले डेरिवेटिव ऑफ 2x तो 2 तो कांस्टेंट रहिला अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 माइनस d by dx of 1 means 1 रो डेरिवेटिव गोटे कांस्टेंट रो डेरिवेटिव 0 से हे गला 2x minus 1 ए 3 into 1 जे 3 प्लस 3x plus 1 into 2 into 1 2 सो देखो मल्टीप्लाई करो 3 into 2x 6x minus 3 into 1 3 प्लस 2 into 3x 6x plus 2 into 1 2 सो ये केते ला 6x plus 6x that is 12x minus 3 plus 2 तो minus 1 सो ये थिला तुम्हारो आंसर 12x minus 12x minus 1 is the derivative of 2x minus 1 into 3x plus 1 सो ये चारी नंबर प्रॉपर्टीज को बेस करके कि पिले क्वेश्चन थिला तो एबे फाइंड आउट करिबा पांच नंबर प्रॉपर्टीज को बेस करके सो पिले पांच नंबर प्रॉपर्टीज कोन थिला ना डेरिवेटिव ऑफ u बाय v इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u बाय v हमें कोन लिखि थिले बिले तार फार्मूला कि v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर या थिला ना हमर फार्मूला सो याको हमें कौन लिखुथले ना v into du by dx minus u into dv by dx by v square सो याको लिखुथले v into u dash minus u into v dash by v square
तो जी तले अच्छे भि को आग रख डेरिवेटिव ऑफ यू काढ़ यू माइनस जेहेतु डिवाइड हो तो माइनस मझे रू को कन्स्टाट रखिक भिरो डेरिवेटिव काढ़ डिवाइडेड बाय भिरो स्क्वायर नब तो या बेस करके गोटे एग्जांपल करवा पे सो देख पिला गोटे क्वेश्चन अच्छे फाइंड डीवाई बाय डीएक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री बाय टू एक्स प्लस फोर सो देख डेरिवेटिव फाइंड आउट करने देश्चिन्न कौन दे वाई दे एक्स प्लस थ्री बाय टू एक्स प्लस फोर तो ये यू बाय भी फर्म्रे अच्छे ना यू किए ना एक्स प्लस थ्री भि के टू एक्स प्लस फोर सो फर्मुला यूज करवा तो कौन करवा डीवाई बाय डीएक्स फाइंड आउट करवा सो ये कौन हो डी बाय डीएक्स ऑफ वाई वाई जगह मुझे लिखी एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस फोर सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन हम आग भी रहिबो सो देखो भी को रखिली तो टू एक्स प्लस फोर रहिला अगेन डेरिवेटिव कहार बाहर डेरिवेटिव ऑफ यू दैट इज एक्स प्लस थ्री तर मझीरे माइनस पुणी यू कांस्टेंट रहिबो एक्स प्लस थ्री डेरिवेटिव कहार बाहर डी बाय डीएक्स ऑफ भी रो दैट इज टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय भी रो स्क्वायर दैट इज टू एक्स प्लस फोर रो स्क्वायर बुझीगला भि इंटु डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटु डेरिवेटिव ऑफ भि डिवाइडेड बाय भि स्क्वायर सो ये आसीज टू एक्स प्लस फोर इंटु देख पे मुझे डायरेक्ट ये कैलकुलेट करुच्ची डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री तो कौन हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आस प्लस डेरिवेटिव ऑफ थ्री गोटे कन्स्टाट डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स प्लस थ्री इंटु देख डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स कौन आस टू तो कन्स्टाट रहा अगेन एक्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फोर गोटे कन्स्टाट डेरिवेटिव जीरो आसो डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस फोर रो स्क्वायर सो ये ही गला टू एक्स प्लस फोर इंटु वन प्लस जीरो जे वन माइनस एक्स प्लस थ्री इंटु वन टू डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस फोर रो स्क्वायर सो ये वन एथरे मल्टीप्लाई हेले भी सेतिक रहिबो टू एक्स प्लस फोर माइनस ये टू मल्टीप्लाई हेला सो ये मल्टीप्लाई हेले केते हि जबो टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस फोर रो स्क्वायर सो पिले कोइंसिडेंसी कौन हो जाए टू एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स प्लस फोर तो ये पिले जीरो ही जीवो जीरो बाय टू एक्स प्लस फोर रो स्क्वायर तो आंसर आसी जीवो जीरो कहीं ना न्यूमेरेटर जदि जीरो रहिला तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग भी जीरो बुझी तो गोटे आउ गोटे एग्जांपल नहीं कि आम बुझीजा छोट एग्जांपलटे ना फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यू ठीक अच्छे पिले सो ये भी तो यू यू एंड भी फॉर्म्रे अच्छे ना यू के एक्स रो स्क्वायर एंड भी के एक्स रो क्यू सो डी वाई बाय डी एक्स कौन हो ना डी बाय डी एक्स ऑफ वाई जगह के लिखा एक्स रो स्क्वायर बाय एक्स रो क्यू सो ये आस पे भि जगह एक्स क्यू देख एक्स क्यू डेरिवेटिव ऑफ केते आसो एक्स रो स्क्वायर माइनस रहिला मझीरे कारण डिवाइड हो देन एक्स रो स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव कहार बाहर एक्स रो क्यू डिवाइडेड बाय भि के एक्स क्यू तार स्क्वायर सो ये आसीज एक्स क्यू रहिला डेरिवेटिव ऑफ एक्स रो स्क्वायर एक्स टू दि पावर एन फॉर्मूला रे आसीबो टू इंटु एक्स टू दि पावर एन माइनस वन दैट इज टू माइनस वन माइनस एक्स रो स्क्वायर अगेन एक्स टू दि पावर एन फॉर्मूला रे कौन आसीबो थ्री एक्स टू दि पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू दि पावर थ्री इंटु टू सिक्स सो ये गला एक्स रो क्यू इंटु टू एक्स टू दि टू माइनस वन तो ये हो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटु थ्री एक्स थ्री माइनस वन जे टू डिवाइडेड बाय एक्स टू दि पावर सिक्स सो ये के टू एक्स क्यू इंटु एक्स एक्स टू दि पावर फोर माइनस देख थ्री एक्स रो स्क्वायर इंटु एक्स रो स्क्वायर के एक्स टू दि पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स टू दि पावर सिक्स तो देख टू एक्स टू दि पावर फोर माइनस थ्री एक्स टू दि पावर फोर तो एक्स टू दि पावर फोर एक्स टू दि पावर फोर कमन गले आते रही टू माइनस थ्री तो टू माइनस थ्री के माइनस वन दैट इज माइनस एक्स टू दि पावर फोर बाय एक्स टू दि पावर सिक्स
ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଇଏ ଯଦି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର ଅଛି, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ଅଛି। ସୋ ୟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଉପରକୁ ନେବ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ବୁଝି ହେଉଛି। ସୋ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ତ ଆଜି ମାଇନସ୍ ତ ରହିଲା ବାହାରେ, ମାଇନସ୍ ରହିଲା ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର ଆଉ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସକୁ ଆମେ ଯଦି ଫୋର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ କାଟିଦେବା, ଫୋର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ କାଟିଲେ ଏଠି ଆଉ କେତେ ରହିବ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ରହିବ, ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ରହିବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ହୋପ୍ କି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କର, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଯିଏ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8249373180ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିକି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇକି ପଠାଇ ପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବା। ସୋ ପିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭେଟ ହେବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି। ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।